बेटा सन पैनल सीधा कर, पैनल सीधा कर, पैनल सीधा कर। जाड़े जाड़े चलो चलो आप चलो चलो आप चलो 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 देख देख फते, देख देख फते, पंथ की जीत, पंथ की जीत, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, बोले सोनिहाल श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होआ। श्री गुरु नानक देव जी सिख कौम के पहले फाउंडर, पहले गुरु जिन्होंने सिख धर्म का नींह पत्थर रखिया, और उन्होंने जदों अवतार धारिया तो साढ़े हिंदुस्तान की दशा इतनी पतली सी कि वहम भरम पखंड ते साड़ा ये जड़ा सारा ही सिस्टम जड़ा सी ऊंच नीच छूत छात जात पात नस्ल भेद ये सारा ही वितकरा जड़ा बड़े जोरों से चल रहा सी। लेकिन गुरु नानक देव जी ने आके इस जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और गुरु नानक देव जी ने मुगल राजा जड़ा बाबर जिसने हिंदुस्तान नू बड़ा लुटिया ते उसनू बाबर नू चाबर गया, और उन्होंने उसदे जेल की चक्की भी उन्होंने पीती। तो गुरु नानक देव जी ने बचपन के ही वह कोतक किए जेडे कि छोटे बचपन के ही उन्होंने जिस वक्त उन्होंने जनेऊ की रस्म अदा कर लगे तो उन्होंने मैनु कहा मैनू सत संतोख कपा, मैनू सत का जनेऊ जड़ा है मैं वह पाना है। जड़ा वितकरे वाला जनेऊ ना होए कि किसी धर्म के जा छोटी जात का अलग होए वड्डी जात का अलग होए। गुरु नानक देव जी ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने जिस वक्त औरत नू अपने पति दे नाल ही सती कर दिता जांदा सी, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा सो क्यों मंदा आखी है जित जमे रजान। अज साडियां हिंदुस्तान दियां गौरमेंटां बड़ियां ऐड दे रहियां हन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गुरु नानक देव जी नू इसने उपर चुकण लई उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की। और गुरु नानक देव जी ने अज पर्यावरण के उपर अज साइंस गल्लां करदी है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने क्या पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत। कहने तो भाव कि ये जड़े पेड़ पौधे हैं जमीन है पानी है इसकी कदर करिए, क्योंकि इन्होंने कभी ना अरे अमीर देखा तो इन्हें गरीब देखा, इन्होंने इन्हों चीज़ों की कदर करने उन्होंने इस दे खिलाफ ही आवाज़ उठाई। सो कोशिश करिए कि असी गुरु नानक देव जी ने जेड़े सानू जात पात छूत छात ऊंच नीच तो उपर उठ के उन्होंने एक नवे समाज की जी उन्होंने सिरजना की। सो कोशिश करिए कि असी उन्होंने पूर्णिया से चल के अपना जीवन सफल करिए, और 2 तरीक 4 तरीक जोड़ा कि सावन चक के प्रोग्राम मनाया जा रहा है, और 2 तरीक अज नगर कीर्तन जोड़ा है गुरद्वारा साहब पहुँचेगा, और इतों लंगर छक के ते वापस सावन चक जाके खत्म होएगा। सो मेरी सारे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि 4 तरीक का प्रोग्राम भी बढ़ चढ़ के गुरु साहब का प्रोग्राम मना के ते गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।